उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के आनंद आश्रम में साध्वी गुरु मां आशुतोष शांबवरी ने 28 जनवरी 2024 को समाधि लेकर पूरे देश में सनसनी फैला दी। समाधि से ठीक पहले उन्होंने अपने शिष्यों के लिए एक वीडियो बनाया और वीडियो में संदेश दिया कि वो अपने गुरु ज्योति जागृति संस्थान के संस्थापक आशुतोष महाराज को उनके शरीर में वापस लाने के लिए समाधि ले रहे हैं। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के अनुयायियों में सबसे पहले समाधि और फिर जिंदा होने का विश्वास उनके गुरु आशुतोष महाराज की वजह से ही है। अब उनके शिष्य गुरु मां साध्वी के शरीर को सुरक्षित रखने के लिए हाईकोर्ट में याचिका डाली गई है। दरअसल आनंद आश्रम के प्रवक्ता महामंडलेश्वर बाबा महादेव ने कहा कि 28 जनवरी को सुबह उन्होंने समाधि ले ली। उनके समाधि लेने से पहले उन्होंने कहा था कि वो अपने गुरु आशुतोष महाराज को उनके शरीर में वापस लाने के लिए ऐसा कर रही हैं। जब तक वो अपने गुरु को समाधि से निकालकर शरीर में वापस नहीं ले आती तब तक उनके शरीर की रक्षा की जाएगी। यही वजह है कि उनके पूरे शरीर पर लेप लगाकर रखा गया है। आश्रम के संस्थापिका की समाधि लेने के बाद जैसे ही देश में फैली तो लोगों ने इसे पाखंड और अंधविश्वास का नाम दिया। बड़े बड़े वैज्ञानिक मेडिकल टीम को भेजकर जांच कराने की मांग कर रहे हैं। हैरानी की बात तो ये है यहाँ पर गुरु माँ के दर्शन के लिए भीड़ भी लगने लगी है। उनके शरीर में वापस लाने के लिए पूरे आश्रम में यज्ञ और हवन हो रहा है। आशुतोष शांबवरी का जन्म बिहार में हुआ था। दिल्ली में दक्षिणा हासिल की और दिल्ली में ही लंबे समय से रह रही थी। बाद में वो आनंद आश्रम आ गए। इसके बाद लखनऊ आकर प्रवचन देना इन्होंने शुरू कर दिया और लोगों को अध्यात्म से जोड़ा। चलिए अब आपको बताते हैं कि आशुतोष महाराज को। इनका जन्म 1946 में बिहार के मधुबनी में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। नाम महेश कुमार झा था। आशुतोष महाराज ने 28 जनवरी 2014 को समाधि ली। समाधि लेने से पहले उन्होंने भक्तों से कहा था वो अपने शरीर में वापस लौट कर आएंगे। उनकी इसी बात पर विश्वास करके भक्तों ने उनका शव अभी तक शरीर अभी भी सुरक्षित रखा है। आशुतोष महाराज के शरीर को पंजाब के जालंधर के नूर महल में सुरक्षित रखा गया है। शव को डीप फ्रीजर में रखा गया है। हालांकि मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक उनका निधन हो चुका है, लेकिन उनके शिष्यों ने समाधि को ब्रह्म ज्ञान की साधना बताया है। शिष्यों का दावा है कि उनके महाराज फिलहाल अंतर्ध्यान है और वो वापस लौट कर आएंगे। आशुतोष महाराज ने 80 के दशक में ज्वालंधर के पास नूर महल में दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की नींव रखी। कुछ रिपोर्ट्स कहते हैं कि पंजाब में उनके 65 और देश भर में 350 आश्रम है। इतना ही नहीं, अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया में आशुतोष महाराज के नाम से आश्रम है। इनकी कीमत हजारों करोड़ों में बताई जाती है। दावा किया जाता है कि अकेले नूर महल में 300 करोड़ से ज्यादा की नकदी रखी हुई है।